live from Weasel News. Welcome back again, ladies and gentlemen. आज का न्यूज जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. जैसे कि कल SWAT टीम आई थी ग्रुप शीट पे एक रेड की इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक रेड का एक लीगल नोटिस देने के लिए जो ग्रुप शीट पे लोग रहते हैं उनके लिए. लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे जैसे हमेशा की तरह हमारा शहर में डेली रूटीन चलता रहता है, कुछ लोग आपस में, यानी कि दो ग्रुप्स, कुछ लाल कलर की गाड़ियाँ थी एंड कुछ पर्पल कलर की गाड़ियाँ थी, आपस में भिड़ चुके थे. यहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश करी है, मेहनत करी कि किसी सिविलियन को चोट ना लगे. लेकिन जिम्मी एग्जामिनेशन में कुछ लोग थे जिन्होंने पूरा ये चीज़ आँखों देखा, आई विटनेस थे. तो आइए उनसे पूछते हैं कि कुछ पर्पल गाड़ियां एक दूसरे को फायर करी थी रेड गाड़ी के ऊपर और फिर पीडी बीच में आ गई, तो पीडी पे भी फायर हो रहा था. पीडी पे भी फायर हो गया मैम? किसने की? रेड कलर की गाड़ियों ने या पर्पल कलर की गाड़ियों ने? मैडम समझ नहीं आया, क्रॉस फायर हो रहा था बहुत ज्यादा, पर पर्पल गाड़ियां ज्यादा दिख रही थी यहाँ पे. और हमने देखा कि पर्पल वाले वहाँ पे डाउन हो गए, तो फिर रेड वाले जाके उनको पीछे ये पर्पल वाली गाड़ी. तो दर्शकों आपने सुना कि हुआ क्या था, लेकिन मेन मुद्दे पे चलते हैं आप एंड देखते हैं कि SWAT टीम जो थी वो ऑफिस से अपनी निकली और ग्रुप स्ट्रीट पे क्या हुआ एंड ग्रुप स्ट्रीट वालों ने क्या क्या इस मामले में अपनी बयान दी. आइए. वेलकम बैक अगेन. ये देखिए आप लोग, SWAT पूरी लोडेड है, चॉपर भी उड़ चुका है. चॉपर में जो दो अमेजिंग फीचर्स है गन्स की वो भी है. SWAT की गाड़ियां जो है लाइनअप हो चुकी है. हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये लोग ग्रुप स्ट्रीट जा रहे थे, तो हम भी निकल पड़े ग्रुप स्ट्रीट देखने कि आखिरकार चल क्या रहा है, यहाँ पे इशू क्या है, अब वहाँ पे होगा क्या, कितने लोग जाएंगे. तो पूरा आपको हम क्लिप में दिखा देंगे. आप लोग आइए और देखिए कि SWAT निकल चुकी है. उनके कार्स देख सकते हैं आप, एक से एक फीचर्स उनके गाड़ी में है. बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी वाली गाड़ी दिख रही है. यही है वो स्टेशन जहाँ पे SWAT काम करती है, हमें ये भी सुनने को मिला है. तो आइए देखते हैं कि अब क्या होगा ग्रुप स्ट्रीट पे. मौसम बड़ा ही सुहाना था एज यूजुअली. आप लोग देखिए, हम आपको पूरी फुटेज बताएंगे कि किस तरह SWAT के थ्रू बात करने के लिए पीडी गई है. आप लोग देख सकते हैं कि छत पे दो लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके थे, यहाँ पे एक लेफ्ट में और यहाँ पे एक राइट साइड में. हमें तो लगा था कि ऑन द स्पॉट रेड होने वाली, जिस तरह SWAT पूरी गाड़ियाँ लेके आई है, पूरे अपनी यूनिट्स लेके आई है एंड पूरे अपने जो SWAT के एजेंट्स है वो भी राइट साइड के छत पे तीन एजेंट्स खड़े हुए थे. जी हाँ दर्शकों, तीन एजेंट्स जो थे प्रिपेयर थे. हमें लगा था कि उसी टाइम रेड होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बीच में जो ऑफिसर्स हैं वो पांच ऑफिसर्स बात कर रहे थे. यहाँ पे जो लीगल नोटिस दी गई है SWAT की तरफ से जो लोग ग्रुप स्ट्रीट पर रहते उनके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोगों ने जूम करके बताया है आपको. यहाँ पे खुला खुला साफ साफ लिखा है कि 11 जनवरी को 5 बजे जो है रेड होने वाली है. सभी को बोला है कि प्रेजेंट रहो, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा इसमें अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है उनके खिलाफ और बहुत सारे उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे. ये चीज़ सुन के जो ग्रुप स्ट्रीट के लोग हैं वो डेफिनेटली उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, वो बहुत ही परेशान हो चुके थे. हमने उनका भी इंटरव्यू लिया देखने के लिए कि वो क्या कहते हैं. तो आइए देखते हैं. दर्शकों अब हमारे साथ है वही शख्स जिसके साथ पूरी SWAT टीम बात कर रही थी. तो सर बताइए क्या हुआ यहाँ पे जो पूरी SWAT को आना पड़ा. है भाजी, तो सीन क्या, ऑफिसर जेमी और ऑफिसर राणा और एक दो ऑफिसर और रहे थे, वो जस्ट हमें बोल के गए हैं कि तुम्हारे घरों पे रेड होने वाली है कल 5 बजे. सारे हमें बंदे चाहिए जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो नहीं रहते हैं तो लाइक हम उनके जितने भी घर हैं, प्रॉपर्टीज, गाड़ी, अपार्ट्स पूरे सीज कर देंगे. और मेरे को जेमी सर सीधा धमकी दे के गए हैं कि हम तुम्हारे सर्कल के बीच में आके खाना खाएंगे, तुम रोक सको तो रोक लो. पता नहीं क्या क्या वाहियात बातें करके गए हैं और कह रहे कि हम ग्रुप सर्कल पे राज करेंगे. अभी हमने बोला कि सर हमारे घर है, अभी तो हम ही राज करेंगे. तो कह रहे वो तो हम देख लेंगे तुम्हें, और कह रहे अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारे अकाउंट फ्रीज करा देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर लेंगे वो 1 महीने तक. अगर तुम कोऑपरेट कर दो तो 1 हफ्ते में कर देंगे. अभी हमने बोला कि हमारे कुछ बंदों का इशू है, कुछ हॉस्पिटल में है, तो लाइक तुम क्या करें. तो जस्ट वो बोलता है कि हमें नहीं पता, हम तो पूरा सीज कर देंगे. लाइक ना हमें कुछ वो ऑप्शन मिलेगा कोर्ट केस करने का, वो कह रहे हम तो पूरा सीज कर देंगे 1 महीने तक, तुम ऐसे ही सड़कों पर सोते रहना. सीधा धमकी देखेंगे. अब तुम इस बताओ धमकी को हम कैसे लें. या तो हम सीधा अपने घरों को डिफेंड करें, अगर हम उनसे कोऑपरेट करें तब भी 1 हफ्ता में बाहर सोना पड़ेगा, तो हमारे पे कोई चारा ही नहीं है. तो अब साफ सीधा वही है, पुलिस को भी सस्पेंस चाहिए तो उन्हें सस्पेंस मिल जाएगा कल 5 बजे. कल उन्होंने बोला 5 बजे सारे जितने बंदे हैं ना, तो हम सारे बंदे रहेंगे, जितनी पीढ़ी है उतनी पीढ़ी आएगी 5 बजे, जो होगा पता लग जाएगा सबको. और लाइक मैं तुम्हें एविडेंस के तौर पर उनके दो हेली की फ़ोटो, उनकी AR और बाकी जस्ट वो रेड वारंट दिखा सकता हूँ जो उन्होंने दिया.
सीज़ सर्च वारंट है बेसिकली, तो लाइक अपने दर्शकों को आप दिखा सकते हो। थैंक यू सर, मैं दिखा दूंगी सर स्क्रीन पे। ठीक है, तो बस हमारा यही कहना है कि ये पीडी की थोड़ी गुंडागर्दी शुरू हो रही है, तो अभी हम तो लाइक नॉर्मल अच्छे से बात करी, वो जिद कर रहे हैं कि हमें ये करना है, तो हमको कुछ नहीं पता लाइक फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक हमें, बेस्ट ऑफ लक पीडी को, बाकी खुदा जाने क्या होता है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि आपको लॉयर की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी? अरे हमने तो साफ सीधी बात बोली, हाँ हमने साफ सीधी बात बोली कि चलो कोई बंदा नहीं आ पाया, आप उसका घर एक महीने तक कैसे सीज कर दोगे? हम कुछ नहीं कर सकते कि लाइक हम केस वगैरह करें, कह रहे कुछ नहीं कर सकते, एक महीने तक बिल्कुल ठप पड़े रहोगे तुम्हारे घर पैसा सब कुछ। अभी लाइक शहर में हमें इतना टाइम हो गया नाम कमाने में, सब कुछ करने में हमने घिसे हैं, वो कह रहे गाड़ी भी जाएगी तुम्हारी, पार्ट्स भी जाएगा, ना पार्ट्स के रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना कहीं के रहेंगे, बस साफ सीधी ये बात बोली है। और हमने पूछा अगर तो कहाँ रहेंगे, तो कह रहे एक छोटा सा बंकर दे देंगे सब जनों को। अभी जो इतना हमारा हेल्दी लिविंग हुड है, जो इतने सारे घर हैं, हम सारे एक जगह कंजस्टेड कैसे सो जाएंगे? अब तुम भी वो भी देखो, अभी इन पे मतलब स्वॉट ट्रक्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो लाइक ये डोमिनेट करने की ट्राई कर रहे हैं हमें, बट हम भी नहीं झुकेंगे, साफ सीधी बात। बिल्कुल, जो हमारा साउथ साइड का नाम है वो पूरा थोक के रखेंगे पीडी वालों पे। बाकी आप कल आना, देखते हैं कल क्या होता है, हमें भी वो नहीं पता कल कितने पीडी वाले हैं, कल कितने हम होंगे, देखते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, बिल्कुल बिल्कुल।